थैंक यू। शो में सुनील पाल की महफिल में आके आपको कैसा लगा? प्लीज। मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। सबसे पहले सबको नमस्कार, और मैं थोड़ा लेट हो गया इसलिए, कल मेरा बर्थडे था और मैंने जिंदगी में कभी अपना जन्मदिन कभी मनाया नहीं है, बहुत कम मनाया, क्या मतलब पैसे नहीं होते थे मनाने का। तो मेरा तो फिर भी 2 तारीख को आता है, 2 अप्रैल को, तो तनख्वाह नहीं नहीं मिलती थी डैडी को, तो होते भी थे कभी कभी, मना भी लेते थे, मेरे भाई का तो कभी मनाया नहीं था, उसका मतलब बर्थडे आना मतलब थप्पड़ जैसे पापा बर्थडे मनाना था, पटल 500 मेरे, ये इसलिए मेरा बर्थडे स्पेशल होगा बिकॉज कल हम लोगों ने बच्चन साहब के साथ शूट किया, मेरा बर्थडे था, तो उस दिन मैंने ट्विटर पे भी लिखा था कि फर्स्ट टाइम आई डोंट माइंड वर्किंग ऑन माय बर्थडे बिकॉज, उसके बाद सरप्राइज बच्चन साहब ने केक मंगवाया, ये मेरे लिए मतलब सपने जैसा था, कल सपने में जी रहा हूँ कल से, और आज लता जी का फोन आया कि मैंने आपके लिए गिफ्ट लिया है, और मतलब लता जी को हम लोग माँ सरस्वती का दर्जा दिया गया है, उनको हिंदुस्तान में इतना उनको माना जाता है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन था, और आज सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, आज सुनील भाई से भी मुलाकात हुई, और हम लोग काफी क्योंकि जब शुरुआत हुई थी लाफ्टर चैलेंज से तो सुनील भाई विनर थे उसमें, लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट में, फिर ये क्रम चलता गया, मतलब वो कैसे किस तरीके का प्रोग्राम आया था, सड़कें खाली हो जाती थी, और इनको देख देख के मैं हमेशा सुनील भाई की बात बोलता हूँ, मैंने कहा कि आप लोगों ने जो कैरेक्टर्स वहां पे करते थे वो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा उससे, बिकॉज एक कलाकार सारी उम्र कुछ ना कुछ सीखता है। सो शुक्रिया। तो इन्होंने क्रम शुरू किया, हम सब साथ में चले, फिर लाफ्टर चैलेंज के भी सीजन आए, फिर और भी शोज किए, फिर अभी कर करा के, ये मुझे लगता है कि लोग कई बार बोलते हैं कि यार आप लोगों ने पहले क्यों नहीं शुरू किया, मैंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब पहले देश 1947 में क्यों आजाद हुआ, 1910 में क्यों नहीं हो गया, ये क्या बात हुई, तो जब जो होना होता है उसी टाइम पे होता है। सो हमेशा ही अपने भाइयों से, बड़े भाइयों से सीखने को मिलता रहता है। तो बाकी ये एक इनकी एक मुझे खासियत जो है वो किसी और कलाकार में नहीं है, ये किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे कोई ढोंगी बाबा को पकड़ ले या किसी पॉलिटिशियन को पकड़ ले, तो इनके कटाक्ष जो होते हैं, कटाक्ष वाला ह्यूमर जो इनका वो रहता है, और मैं उसका फैन भी हूँ, और इनकी जो आवाजें डिफरेंट डिफरेंट निकालते हैं, मतलब बहुत कुछ सीखा सुनील भाई आपसे, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, थैंक यू सो मच। तो मैं आज अभी भी लता जी के पास था, तो मैं इसलिए थोड़ा लेट हो गया, मैंने कहा कि इलेक्शन तो रोज आते, लता जी रोज नहीं आएंगी। जी मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां कपिल जी अपने शुभ हाथों से, सब खुश हो रही कर रहे हैं, अच्छा लगे तो जोरदार ताली बजाएंगे, मिश्रा जी छाए हुए। अब आप पोस्टर के बारे में और इसके इस माहौल के बारे में और अपने जो प्रोमो देखे, थोड़े से 2 शब्द कहें प्लीज। मैंने पहले कहा कि अगर